आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज साइंस के शानदार क्वेश्चन लिए हैं सीटेट में आए हुए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं और हर परीक्षा के लिए उपयोगी है ये, जहां भी सामान्य विज्ञान की बात आती है। पहला क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग इसके उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? तो इसका आंसर आपको देना है। तीन ऑप्शन आपके सामने है और आप समझ गए होंगे कि एसिडिटी की बात हो रही है और एसिडिटी के उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। और आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होता? दही पकाने में, डबल रोटी में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में? तो राइट आंसर आपको देना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें गन्ने के रस के किण्वन में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं किया जाता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण? तो दिख रहा अपने को वनोन्मूलन है, मरुस्थलीकरण, अपरदन है, तीनों नुकसान पहुंचाते हैं मृदा को, और मृदा संरक्षण है वो इनका उपाय है। इसके बाद में क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो सीधा सा ऑप्शन है, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ है वो रासायनिक रूप से तो वही रहता है, भौतिक रूप से चेंज हो जाता है। कणों के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है? चट्टान, मृतिका, रेत, बजरी, गाद? नहीं हो सकता, मृतिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान, गाद, मृतिका, रेत, बजरी, चट्टान, चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृतिका। तो सबसे सिल्ट जो है सबसे बारीक होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो गाद यानी सिल्ट इंग्लिश का वर्ड है, वो ज्यादा प्रॉपर है यहाँ पे। मछली में क्लोम का क्या कार्य होता है? क्लोम यानी गिल्स, तो आप समझ गए होंगे गिल्स मछली में क्या काम करती है, ऑक्सीजन लेती है जल में घुली हुई। यदि तार संयोजक नहीं है, संयोजक तार नहीं है, तो विद्युत तो परिपथ को निम्न में से किससे पूरा किया जाता है? तो केवल आपको ये सोचना है कि कुछ भी ऐसा हमें उसमें जोड़ना है जो कंडक्टर हो, और सीधा सा आंसर आपको दिख रहा है कि ब्लेड वह काम कर सकती है क्योंकि ब्लेड कंडक्टर है। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, वह 5 मीटर की दूरी पर है और दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो ये प्रतिबिंबों का संयोजन है, ये आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा, और इसका आंसर है 8 मीटर। कोई लोलक 3 सेकंड में 10 दोलन करता है, तो सही कथन चुनिए। 3 सेकंड में 10 दोलन, 1 सेकंड में 3 सेकंड में 30 दोलन, 1 सेकंड में 10 दोलन, तो आवृत्ति हो जाएगी इसकी 10 हर्ट्स, ठीक है ना? तो 10 हर्ट्स इसकी आवृत्ति है, तो ये अपने वो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है कि इसका दोलन काल 0.1 सेकंड है और आवृत्ति 10 हर्ट्स है। गलत की पहचान करनी है, बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन अपने को सीधा दिख रहा गलत है, क्योंकि बॉल बियरिंग जो है वो लोटनी घर्षण में बदल देती है और घर्षण को कम करती है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं,
आयरन है जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ऊपर होता है फेरस, उसके बाद में आपका होता है, सॉरी सबसे ऊपर है जिंक, जिंक के बाद में फेरस और फेरस के बाद में कॉपर। ये हमारी रिएक्टिविटी टेबल है। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ही विस्थापित कर पाएगा। तो इसमें जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ऑप्शन आ जाएगा केवल बी। पहचान करनी है सही कथन की। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। कमरे का ताप मापने के लिए जो परिसर है वो 30 से 100 डिग्री होता है, ये भी गलत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर 35 से -35 से 42 डिग्री होता है, और थर्मामीटर का परिसर, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर बहुत छोटा होता है, 97 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। गलत की पहचान करनी है। कैरोसिन का कैलोरीन मान या उष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, कोयले का उष्मीय मान लकड़ी के उष्मीय मान से अधिक होता है, बायोगैस का उष्मीय मान एलपीजी के उष्मीय मान से अधिक है, सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। तो इसमें बोनस अंक दिया गया है, ठीक है ना। और वैसे ये जो कथन है तीसरा, ये निश्चित रूप से गलत है कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। बायोगैस का जो कैलोरी मान है वो लगभग 35,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, जबकि एलपीजी का लगभग 55,000 किलो जूल प्रति किलो होता है। तो एलपीजी का निश्चित रूप से ज़्यादा होता है। कोई बस अपने यात्री के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, अगले 18 मिनट इस स्पीड से चलती है, कुल कितनी दूरी तय करती है? तो ये आप निकाल लेंगे कुल कितनी दूरी तय करती है। दूरी के लिए आपको गति को गुणा करना है, डी इक्वल टू चाल इंटू समय। इस सूत्र को काम में लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 22 किलोमीटर। गलत की पहचान करनी है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवृत्त गति होती है, प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है, सितार के तार दोलन गति करते हैं, सभी आवृत्ति जो हैं वो वर्तुल होती है। ये गलत है। वर्तुल या वृत्ताकार होने ज़रूरी नहीं है। जैसे एक स्प्रिंग की जो गति है, अगर उसको हम हल्का सा कंपन लेके छोड़ें तो वो एक सरल रेखा में गति करेगी। ये आवृत्ति गति है लेकिन वृत्ताकार नहीं है। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, पार्श्व होता है, प्रतिबिंब का साइज जो है बिंब के साइज के बराबर होता है। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं वो आपको पहचान करनी है। तो इसमें पहला सही है, ये भी सही है, बिंब के साइज का होता है। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता। समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही है वो अपने को सही नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सही है या सही नहीं है क्या पूछा गया है, क्योंकि इसमें हम जल्दबाजी कर लेते हैं कई बार। तो क्या सही नहीं है? विज्ञान अंतः विषयक है, अस्थाई होता है, ये बात तो ज़्यादा इसकी बढ़िया नहीं है। फिर संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है। तो सबसे जो गलत बात है वो तो यही है कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं है। विज्ञान में नवीनता है और अस्थाई होता है, क्योंकि जैसे जैसे नई खोजें होती हैं विज्ञान में हम और श्रेष्ठता हासिल कर लेते हैं।
उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति निष्ठा, बच्चे के प्रति, वातावरण के प्रति, संस्कृति के प्रति। तो ये इसमें आदर्शवादी आंसर देंगे हम, बच्चे के प्रति निष्ठा। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने और इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रक्रियात्मक। उसके बाद में अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाती है, और इसका सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शंस को पढ़िए आप, और सही आंसर हो जाएगा इसमें ए, सी और डी। अंत्येक्रिया को प्रेरित करेगा, अवलोकन कौशल को बढ़ावा देगा, शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, थोड़ा नवीनता आती है इससे। क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जिज्ञासा का पोषण तो जरूरी है, जीवन के प्रति झुकाव, सहभागिता, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पे बल देना, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पे बल नहीं देना है। उसके बाद में क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? चार ऑप्शन है आपके पास में, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, समूह में चर्चा करना, बड़े समूह में साझा करने को कहना, प्रयोग द्वारा प्रदर्शन। समालोचनात्मक चिंतन में समूह में चर्चा करना, समूह में चर्चा करने से उसके विभिन्न पक्ष उभर के आते हैं। उसके बाद में एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक प्रदर्शन करके करता है। प्रदर्शन, तो प्रदर्शन का मतलब क्या है? ये कहना चाहता है बोध करना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है बोध करना। कौन सी विधि गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? सक्रिय अधिगम, फास्ट लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, जिसमें बच्चा भाग ले। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है अपने को, कक्षा में व्याख्यान सुनना जो है वो फास्ट लर्निंग या एक्टिव लर्निंग का उदाहरण नहीं है। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? मानचित्र है, वर्णन अभिलेख है, पोर्टफोलियो है, सत्र पर्यंत उपलब्धि है। तो ये तीन ऑप्शन ठीक हैं, ए, बी और सी, अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, इनसे हम पता लगा सकते हैं सीखने में कमी का। उसके बाद में कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन अभिलेख। तो ऑप्शन हो जाएगा वर्णन अभिलेख। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पश्मीना साल बकरी के खालों से बनता है, ठीक है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी ठीक है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने के काम में आती है, पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 और 2 बेहतर हैं। उसके बाद में जंतु को पहचानना है, लंबा मेरुदंड है, मांसपेशियां हैं, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सर्प हो जाएगा। उसके बाद में 89, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेके जाती हैं, सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में लेके जाती हैं, धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? धमनियों की भित्तियां, ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसमें बोनस दिया गया है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपको बिल्कुल कंफर्म पता है उनको आप याद सबसे पहले करें। जैसे एसिटिक अम्ल है वो सिरका है, लैक्टिक अम्ल है वो दही में होता है, ऑक्जैलिक अम्ल है वो पालक में होता है, और एस्कार्बिक अम्ल है वो नींबू वंश के फलों में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चार
तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे अभ्यास के हिसाब से, और इनको आप एक दो बार कर लेंगे आपके तैयार हो जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।